हेलो एवरी वन गाइज, कैसे हैं आप सभी? होपफुली ऑल डूइंग वेल। सो विश यू अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। हम सभी टीचर्स हैं, या तो आप टीचर्स बनने वाले हैं या आप ऑलरेडी टीचर्स हैं। सो टीचर्स के जो रोल होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं और काफ़ी डिफरेंट होते हैं। समटाइम हम भी समझ नहीं पाते कि एक बेस्ट टीचर्स का रोल क्या होता है। बेस्ट टीचर का रोल मेरे हिसाब से ये नहीं है कि वो बेस्ट पढ़ाएं। देखिए, प्रैक्टिस से तो आप बेस्ट पढ़ाने लगते हैं। अगर आप कोई टॉपिक्स जो हैं, सपोज़ आप कॉमर्स पढ़ा रहे हैं लंबे समय से, वही सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, तो आप उसमें महारत हासिल कर लेंगे, आप उसमें एक्सपर्टीज ले आएंगे। बट उसके अलावा भी कुछ मॉरल वैल्यूज़ होते हैं। मैं आज यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। अब से 1.5 साल पहले मुझे अप्रोच किया गया था हॉस्पिटैलिटी की क्लासेस के लिए। बेसिकली मैंने अपना करियर 12th के बाद स्टार्ट किया था इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो हमारे बिजनौर में एक एकेडमी ओपन हुई थी, ठीक है, मतलब अब भी वर्किंग है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि सर आप क्या ऑन डे बेसिस 1 आवर्स की क्लासेस ले सकते हैं, वो भी अल्टरनेटिव डेज। तो मैंने सोचा और फिर मैंने सोचा ठीक है, अगर 1 घंटे की क्लासेस है और अल्टरनेटिव डेज पे है तो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने 3-4 दिन क्लासेस ली और उसके बाद मुझे लगा कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका लेवल बहुत ज़ीरो है, ठीक है। इवन वो स्पेलिंग मिस्टेक्स करते थे, मतलब उन्हें अगर नोट्स बनाते थे तो ना तो वो अच्छे से लिख पाते थे, ना ही वो बेसिक इंग्लिश भी समझ पाते थे, ठीक है। तो मुझे लगा कि नहीं भाई, मैं इन्हें नहीं पढ़ा पाऊँगा, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर मना कर दिया, ठीक है, विदाउट गिविंग एनी रीज़न। उसके 4-5 दिन बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो एजुकेशन था उसका भी लेवल ऐसा ही था, या स्टार्टिंग में मुझे भी काफ़ी बार मेरे टीचर्स ने मुझे डल कहा, वीक कहा। मैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें काफ़ी वीक था, ठीक है। दैट्स वाई आई ऑप्टेड कॉमर्स, ठीक है। और कॉमर्स में भी मैं काफ़ी यू नो ऑन एन एवरेज ही रहा, ठीक है। मैं कभी भी क्लास का मॉनिटर नहीं बना, और ऑन एन एवरेज ही स्ट्रेंथ रहा हूँ ज़्यादातर, ठीक है। और सम टाइम के लिए तो मैं डल भी रहा हूँ। जब मैथ, मुझे अब भी याद है कि मैथ के टीचर मुझे तो कहते थे कि तुम तो मेरी क्लास से बाहर चला जा, ठीक है। तो मुझे लगा कि आज मैं इन्हें कैसे ट्रीट कर रहा हूँ जब मैं ही, मेरा स्कूलिंग, ठीक है, मैं कभी यू नो स्मार्ट या बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स नहीं रहा हूँ, और आज मैं इन्हें ऐसे ट्रीट कर रहा हूँ कि जैसे कि ये इम्प्रूव कर ही नहीं सकते। जब मैंने इम्प्रूव किया है, ठीक है, तो व्हाई नॉट दीज स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देन मैंने वो क्लासेस अगेन ज्वाइन कर ली, मैंने मेहनत करी उनके पीछे। 1 घंटे का सेशंस था, ठीक है, 1.5 घंटा में देने लगा, बहुत बेसिक से स्टार्ट किया, बहुत वर्क किया। अब उनमें से 2 स्टूडेंट्स जो हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, 10 स्टूडेंट्स थे, वो एक अच्छे होटल चैन जो रेडिशन ब्लू है उसमें वर्क कर रहे हैं, और वो भी एज ए फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब आपकी मेहनत रंग लाए और जब आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो अचीव करें। बट ये सोचना कि कोई स्टूडेंट्स वीक है, और मेरे हिसाब से कोई टीचर भी वीक नहीं रहता। अगर आप इम्प्रूव करें तो बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाती है। मैंने जब यूट्यूब पे स्टार्ट किया था दिवाकर एजुकेशन हब, उससे पहले मैंने कुछ लेक्चर स्टार्ट किए थे 2018 के अराउंड। तो उस टाइम बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट करी थी, इवन सही से पढ़ाने का कुछ आता पता नहीं था कि कैसे पढ़ाते हैं। ये सारी चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हैं एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट्स, ठीक है। सो एंड इन द लास्ट आई से द विश यू ऑल वेरी हैप्पी टीचर्स डे। हमारी मॉरल ड्यूटीज़ हमारे सब्जेक्ट ड्यूटी से ज़्यादा हैं। कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, टीचर्स की मॉरल ड्यूटी होती है अपने स्टूडेंट्स को सही बताना और उन्हें सपोर्ट करना, भले ही से उसके लिए थोड़ा और हार्डवर्क करना क्यों ना पड़े। थैंक यू।